नमस्कार। स्पेशल रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रीना झा। स्पेशल रिपोर्ट में हम एक बार फिर से आज बात करेंगे बेटियों को लेकर। जी हाँ, कहते हैं कि जब बच्चों के सर से माता पिता का साया उठ जाता है तो जमाना भी दुश्मन बन जाता है। कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है नांगल चौधरी से। पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद चर्चा करेंगे। माता पिता ईश्वर की वो सौगात हैं जो हमारे जीवन की अमृत धार है। माता पिता परेशानियों का डटकर सामना करना सिखाते हैं। माता पिता की छाया में हम खुद को महफूज समझते हैं। लेकिन जब माता पिता का साया सिर से उठ जाता है तो जमाना दुश्मन बन जाता है। और जब ये पूरा वाकया बेटियों के साथ होता है तो स्थिति और भी बद से बदतर हो जाती है। नांगल चौधरी के थनवासा ढाड़ी सेनिया गांव में ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जहां माता पिता का साया सिर से उठने के बाद गाँव का सरपंच ही बेटियों से उनकी जमीन हड़पने की फिराक में है। पीड़ित बच्चियों के मुताबिक उनकी माँ की मृत्यु पहले ही हो चुकी थी, जबकि पिता का देहांत अभी 20 दिन पहले ही हुआ है। माता पिता का साया सिर से उठने के बाद सरपंच ने ही कब्जे के लिए बेटियों के घर में इलानी शुरू कर दी है। क्या बात है? मेरे मम्मी पापा मन गया कि हम जमीन आड़े मान को मेरा पैसा क्या कर दिया जाए। क्या बात है? मेरे मम्मी पापा मन गया कि हम जमीन आड़े मान को मेरा पैसा क्या कर दिया जाए। सरपंच गाँव का प्रधान होता है। ग्रामीणों की सभी सुख सुविधाओं का ध्यान रखना सरपंच का काम होता है। लेकिन जब सरपंच पर ही आरोप लगने लगे तो ग्रामीणों की गुहार कौन सुनेगा। फिलहाल हरियाणा न्यूज इस खबर से जुड़े दोनों पक्ष आपके सामने रखना चाहता है। पीड़ित लड़कियों की बात सुनने के बाद जब हरियाणा न्यूज ने इस पूरे मामले में सरपंच से पूछा तो सरपंच ने उल्टा पीड़ित बेटियों पर उधार लिए पैसे वापस न देने का आरोप लगाया। आरोप है जी, मैं महेंद्र सनो बनवारी के घर से सुगनी वाइफ महेंद्र जब वो बीमार हुई तो 10,000 रुपये मैंने उसके सास के सामने और उसके पिताजी के सामने 10,000 रुपये मेरे भाई शिवराम को लेकर भेजा था। वो पैसे के लिए भी मना कर रहे हैं, असम नहीं देंगे। महेंद्र के 3 साल पहले 2.5 साल पहले बीमार हुआ था तो उन पैसे के लिए भी मना कर रहे हैं। मैंने उनको थोड़ा सा कल्ला करने के लिए उसके मकान में 5-4 पराती पत्थर की डाल दी थी। अब उसके चाचा ताऊ यह कह रहे हैं कि हम इसको पैसे नहीं देंगे, हमारे क्या पता दिए नहीं दिए। फिलहाल इस पूरे मामले का सच कानूनी प्रक्रिया के बाद ही सामने आएगा। लेकिन ये साफ है कि सरकार की ओर से बेटी पढ़ाने और बेटी बचाने का अभियान आज भी जमीनी स्तर पर अपना अस्तित्व तलाश रहा है। आज भी प्रदेश में बेटियों का हक दबाया जा रहा है, बेटियों को अपने हक के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। आज भी ये समाज बेटियों का दुश्मन बना हुआ है। आज भी जमाना बेटियों के लिए नहीं बदला। फिलहाल इस पूरे मामले में अब बेटियों को न्याय की उम्मीद उस सरकार से है जो बेटियों के साथ भेदभाव ना होने का नारा देती है। नांगल चौधरी से अभिषेक की रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। जी हाँ, ये दर्दनाक दास्ता, ये दर्दनाक कहानी उस बेटी की थी जिससे बेटी के सिर से उसके माता पिता का साया छीन चुका है। अब माता पिता जो है इस दुनिया में नहीं है और कहीं ना कहीं इस कहानी को सुनकर, इस रिपोर्ट को देखकर आप भी कहीं ना कहीं यहाँ पर पिघल गए होंगे। लेकिन जो सरपंच है गांव का, वो किस तरीके से यहाँ पर जो जमीन है बेटी की वो हड़पने की कोशिश कर रहा है, वो सब कुछ हमने आपको रिपोर्ट के जरिए दिखाया। अभिषेक हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हैं चौधरी से। अभिषेक, क्या कुछ माना जाए, बेटियों का क्या कुछ कहना है, जो बेटी है उसका क्या कुछ कहना है कि आखिर सरपंच जो है क्यों इस तरीके से जमीन हड़पने की कोशिश कर रहा है? जी, मैं आपको बता दूं कि जो बच्चियां हैं वो दो बहनें हैं जो नाबालिग भी हैं और साथ ही वो अनाथ भी हैं, तो उन पे दबाव बनाया जा रहा है कि ये जमीन हड़प ली जाए और उनकी कब्जा कर लिया जाए। जी, तो इसी चक्कर में सरपंच उन पर पूरी तरह से हावी होने की कोशिश कर रहा है कि इनको गांव से निकाल दिया जाए, क्योंकि इनके ना कोई आगे है ना पीछे है। उनका यही कहना है कि हमारे सिर पे माँ बाप का साया ना होने के कारण हमारे को नजायज सताया जा रहा है। जी हेलो,
तरीके से देखने के लिए मिल रहा है कि यहाँ पर जो बेटी का हक है वो मारा जा रहा है, बेटी के सिर से उसके माता पिता का साया जो है वो उठ चुका है, लेकिन किसी का भी यहाँ पर जो हाथ है कदम है आगे नहीं बढ़ रहा है ताकि जो बेटी की यहाँ पर मदद की जा सके। अभिषेक, बेटी का क्या कुछ कहना है, उस लड़की का क्या कुछ कहना है? अब लड़की का यही कहना है कि उन्होंने पुलिस में भी कंप्लेंट करी है लेकिन उनकी किसी तरफ से भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। गांव का जो मुखिया है वही उन पे दबाव बना रहा है, उनकी जगह है और उनकी जमीन पे कब्जा करने के लिए, तो उनका गांव भी पूरी तरह से उसी के साथ नहीं दे पा रहा है। जी बिल्कुल अभिषेक, आप जुड़े रहिए, संतलाल हमारे साथ जुड़े हैं, सामाजिक कार्यकर्ता है। संतलाल जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। धन्यवाद मैडम जी, और जैसी मुहिम आप उठा रहे उसके लिए मैं हरियाणा को धन्यवाद देना चाहूंगा। जी संतलाल जी, मेरा सवाल ये है कि जिस मुद्दे को लेकर हम बात कर रहे हैं आपको क्या इसकी जानकारी है? हाँ जी, पूरी जानकारी है। हाँ, मैं खुद भी वहाँ गया था, कल बत्ती से मिलके आया था, लेकिन हम छोटा एनजीओ के रूप में हमारा कोई वो नहीं है, 20-30-50 आदमी ही सिर्फ इस चीज की सिर्फ आवाज उठाने का काम करते हैं। अभी हम इतना बड़ा एनजीओ नहीं है कि उनकी कोई फाइनेंशियली मदद कर सके या कानूनी मदद कर सके। जी जी, सरपंच से आपने बात की क्या संतलाल, उनका क्या कुछ कहना है अब इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, अब हम सरपंच के पास तो गए थे जी बात करने के लिए, लेकिन सरपंच ने तो एक तरफा हमारे से तो बात करने का कोई मतलब ही नहीं समझा कि आप कौन हो, क्या हो, किस लिए बात करनी है। बाकी हमने गाँव वालों से बात की, बच्ची से बात करी, तो बच्ची ये कह रही थी जी माँ 2 साल पहले गुजर गई और जो पिताजी का भी 20 दिन पहले ही साया सर से उठा है, और अगर पैसे ही होते तो माँ बाप इलाज करवा लेते मेरे, हम अनाथ नहीं होते आज। लेकिन और सरपंच के पास कोई लिखित भी नहीं है, ना हमारे सामने दिया है, अगर वो पैसा दिया है वो माँ बाप के मरने के बाद, अब वो ये सोच रहा है कि किसी तरह भी वो ये प्रॉपर्टी हड़पी जाए। उस बेचारे ने हमारे को दिखाया कि उसके खेत में लकड़ी और वो बड़े बड़े पेड़ काट के घेर दिए और घर में जो है पत्थर रख दिए ताकि इन पे कोई वो ना हो। बिल्कुल संतलाल, संतलाल जी आपने कहा कि आप इस बेटी के साथ है लेकिन आप लोगों के पास इतनी राइट नहीं है, आप लोग इतना बड़ा एनजीओ नहीं चला रहे हैं ताकि जो बेटी का हक है वो उसे मिल सके, तो आगे आप लोग किस तरीके से मदद कर रहे हैं इस लड़की की, इस बेटी की? हमने तो जी लड़की को ये कहा कि बेटा रात को फोन करना, हम रात को खड़े मिलेंगे, अगर कोई बात होती है तो हम आपके साथ चलेंगे, थाने में चलना है, एसपी के पास चलना है, विधायक के पास चलना है, सांसद के पास चलना है। हाँ। जहाँ भी चलोगी हम आपके साथ चल सकते हैं। अपनी संतलाल जी, क्या विधायक से बातचीत हुई है आपकी, क्या विधायक ने इस पूरे मामले को लेकर कुछ कहा है? जी विधायक से हम बात करने के लिए हमारे सचिव ने फोन किया था लेकिन उनका फोन जो है वो रिसीव नहीं हो पाया। चले, राव अभय सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं जो विधायक है नांगल चौधरी से। राव अभय सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। थैंक यू जी, थैंक यू, मेहरबानी। राव जी, आपसे मेरा सवाल यही है कि जिस मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं क्या आपको इसकी जानकारी है? नहीं, मुझे अभी थोड़ी देर पहले इसकी जानकारी मिली है और मैं जिला प्रशासन से कहूंगा कानून जो भी कार्रवाई होगी इस मामले में की जाएगी। लेकिन राव अभय सिंह जी, मेरा सवाल यही है कि आखिर सरपंच ऐसा कर कैसे सकता है, जिस बेटी के सर से उसके माता पिता का अगर साया उठ जाता है तो क्या वहां पर सरपंच को क्या उस बेटी की मदद नहीं करनी चाहिए? जिस तरीके से यहाँ पूरा मामला उजागर हुआ है कि सरपंच जो है उस लड़की की जमीन हड़पने की कोशिश कर रहा है, तो इस पर आप क्या कुछ कदम उठाएंगे? ये जो जमीन है, प्रॉपर्टी है, जो भी विवाद है, ये कानून का विषय है, इसलिए सभी पक्षों को देख के प्रशासन इसमें उचित कार्रवाई करेगा, जो भी कानून सम्मत कार्रवाई बनेगी वो करेगा। हाँ। मैं आज बात करूंगा प्रशासन से, बात करूंगा। आपको इसकी जानकारी हमने दे दी है, हम आपको साथ ही ये भी बता दें कि जो लड़की है उसके घर पर कब्जा करने के लिए, जमीन पर कब्जा करने के लिए ईंटें तक डलवा दी गई है, अब वो बेचारी लड़की कुछ नहीं कर सकती क्योंकि इसके माता पिता का साया उसके सिर से उठ चुका है, वो अकेली है, लेकिन कहीं ना कहीं एनजीओ उसका एक साथ चल रहा है लेकिन उस एनजीओ के पास भी इतने राइट्स नहीं है, इतना वो कुछ नहीं कर सकता है, आप क्या कुछ कदम उठाएंगे? आप वहां से विधायक है, आप कैसे हेल्प करेंगे उस लड़की की? देखिए, मैं दोबारा वही बात कह रहा हूँ कि विधायक हो या कोई नागरिक हो, हर आदमी को कानून के दायरे में रह के काम करना होता है, तो कानून समझ कानून के मुताबिक जो भी कानून का दायरा, ठीक है, आपने कानून का दायरा यहाँ पर बताया, कानून का दायरा अलग है लेकिन एक इंसानियत अलग है, इंसानियत के नाते
करने के लिए जो इंसानियत का पहलू है उसको भी ध्यान रखा जाता है। लेकिन वो लड़की तो लेकिन वो जो बच्ची है लड़की है वो दर दर की ठोकरें खा रही है, किसी की मदद उस लड़की को नहीं मिल रही है। आप वहाँ से विधायक है, आप मुझे ये तो बताएं, आप मुझे ये तो आश्वासन दें कि जो लड़की है जिसका घर उससे छीना जा रहा है, उसके माता पिता आप उसके साथ नहीं है, आप एक विधायक है, आप एक विधायक के नाते कैसे आप उसकी मदद करेंगे, मैं ये जानना चाहती हूँ आपसे। मैं आपसे यही बात कह रहा हूँ कि विधायक के नाते भी एक नागरिक के नाते भी जो भी संभव होगा हम करेंगे। अभी मेरे को अभी मेरे संज्ञान में मामला है। अभय सिंह जी करेंगे करेंगे करेंगे, फ्यूचर की बात होती रहती है, प्रेजेंट में क्या हो रहा है आपको इसकी जानकारी है। उस बच्ची से बच्ची के सिर से उसके माता पिता का साया उठ चुका है, जो जमीन है उस बच्ची के पास उस पर सरपंच जो है वो कब्जा जमा रहा है, ईंटें डलवाई जा रही है, घर बन जाएगा, उस लड़की को बेघर कर दिया जाएगा, क्या तब सरकार वहां तक पहुंचेगी? मैं आपको यही बात कह रहा हूं, मैंने जो आप कह रहे हो उसी बात को मैं दोहरा रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि जो भी इसमें अगर गलत हो रहा है, जो भी जब सारी स्थिति की आज आप आपने बताया है, आश्वासन दीजिए अभय सिंह जी, आप कुछ बात तो कहिए कि आप मदद करेंगे। आप तो साफ कानून की बात करते, कानून व्यवस्था कहाँ है, कहाँ है आपकी कानून व्यवस्था? जब क्या पुलिस वहाँ तक पहुँची है, ईंटें डलवा दी गई है उसके जमीन पर, क्या पुलिस वहाँ पर पहुँची? आप पुलिस और कानून की बात करते हैं, कहाँ है कानून? मुझे इस बात की जानकारी नहीं है। पुलिस हम आपको जानकारी दे रहे हैं, हम आपको जानकारी दे रहे हैं, अब आप क्या करेंगे, क्या कदम उठाएंगे, मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाहती हूँ। बड़े बड़े वादे और दावे कर देने से यहाँ पे काम खत्म नहीं हो जाता। अभय सिंह जी, बड़े बड़े दावे और दावे करने से काम खत्म नहीं हो जाता। यहाँ पर एक लड़की है जो बेघर होने जा रही है और आपको इसकी जानकारी नहीं है। मैं आपसे सिर्फ ये चाहती हूँ कि आप कैसे मदद करेंगे, आप मुझे इतना तो बताएं। मैं यही तो कह रहा हूँ कि मुझे पहले इसकी पूरी जानकारी तो लेने दो, उसके बाद हम आपको जानकारी दे रहे हैं। यहाँ हम आपको जानकारी दे रहे हैं, आप ये तो बताएं कि कैसे आप उसकी मदद करेंगे। वो एक लड़की है, लड़की को उसका हक नहीं मिल रहा है। अभय सिंह जी, आप विधायक है, विधायक के नाते आप कैसे मदद करेंगे? मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाहती हूँ। मैं कह रहा हूँ मैं मदद करूँगा, मुझे मेरे हलके की बात है, आपसे ज्यादा चिंता है मुझे, आप इसके बारे में चिंता होती तो शायद हमसे पहले जानकारी आपको होती। अभय सिंह जी, चले लगता है उनके पास कोई जवाब ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने चिंता की बात की है। अगर उन्हें चिंता होती तो शायद वो पहले हमसे पहले पहुंचे होते। हम उन्हें जानकारी दे रहे हैं, ना कि वो ये कहते कि मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है। ये विधायक साहब है यहाँ के, ये सरकार यहाँ पर चल रही है, कानून व्यवस्था की वो बात कर रहे हैं, कहाँ है कानून व्यवस्था? हमारे संवाददाता फोन लाइन पर लगातार जुड़े हुए हैं। अभिषेक, आप तक आवाज पहुंच रही है? चले, संपर्क हमारा टूट गया, फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ पर सभी दर्शकों ने देखा किस तरीके से विधायक साहब से जब हमने जेन्युइन क्वेश्चन पूछा, जब जवाब मांगने की हमने कोशिश की, जानने की कोशिश की, तो किस तरीके से उन्होंने फोन को डिस्कनेक्ट कर दिया। फिलहाल यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं। आज ज्यादातर किसानों ने अपने खेतों में सरताज जिप्सम का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। धान दे विच पनीरी दे विच सरताज जिप्सम मिलिया सी, उहदा यूज कीता सी, जिस थां ते यूज कीता है वह पनीरी दूसरे नालों 10 तो 15 दिन एडवांस दे विच तैयार हुई, नहीं तो 55 तो 60 दिन लगते सीगे। सरताज जिप्सम नेचुरल इंपोर्टेड सल्फर व कैल्शियम से युक्त। भाग्य दर्पण प्राप्त करने के लिए संपर्क करें 0114899 या आप SMS भी कर सकते हैं। इसके लिए टाइप करें BDP और भेज दें 56161 पर। रोजाना देखिए सुबह 8:30 से 9 और 9:30 से 10 सिर्फ हरियाणा न्यूज पर। डॉक्टर साहब, मेरी फसलें पीली और कमजोर हो जाती हैं। मेरी फसलों में समय समय पर फूल और फल नहीं आते। भाइयों, तुम सब की समस्याएं एक जैसी हैं, इसीलिए उनका समाधान भी एक ही है, डबल हिरन ब्रांड जिंक सल्फेट खाद। फसलों को स्वस्थ रखने व अच्छी पैदावार लेने के लिए जमीन को अनेक पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है और उनमें जिंक सबसे महत्वपूर्ण है, जो कि पौधों की वृद्धि एवं विकास और समय पर फल फूल आने में मदद करता है। हर फसल में 10 किलो प्रति एकड़ जिंक सल्फेट खाद जरूर डाल। मुनक की पुरानी व मशहूर डबल हिरन ब्रांड जिंक सल्फेट खाद।
देश की सेवा करता हूँ, इसीलिए मुझे जरूरत है माँ के आशीर्वाद की और श्री गोविंद घी की, जो तुम्हें स्ट्रॉन्ग रखता है। ब्रेक के बाद स्वागत है, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट, जहां हम एक बार फिर से बात कर रहे हैं बेटी की उस हक को जो उस बेटी को नहीं मिल रहा है। इसी बीच बड़ी खबर हम आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा दें, जहां स्थानीय विधायक अभय सिंह ने बेटियों की मदद के लिए उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। कानूनी व्यवस्था के सवाल पर विधायक ने हरियाणा न्यूज का फोन काटा है। आपको बता दें, नागर चौधरी से स्थानीय बीजेपी विधायक है अभय सिंह, जिनसे हम बातचीत कर रहे थे और जानने की कोशिश कर रहे थे कि किस तरीके से वो कार्रवाई करेंगे इस पूरे मामले को लेकर। आपको बता दें, आश्वासन उन्होंने दिया है और कानून व्यवस्था के सवाल पर उन्होंने फोन काटा है। बीजेपी से सुनीता दुग्गल जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ी है। सुनीता जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। जी नमस्कार। सुनीता जी, जिस मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं, क्या इसकी आपको जानकारी है? नहीं, मुझे अभी जानकारी नहीं है। चलिए मैं आपको बता देती हूँ, नांगल चौधरी का ये पूरा मामला है और यहाँ पर एक लड़की है जिसके सिर से उसके माता पिता का साया उठ चुका है। अब वो बच्ची अकेली है, लेकिन यहाँ पर जो गांव का सरपंच है वो इस बच्ची की जमीन हड़पने की कोशिश कर रहा है, यहाँ तक कि उसके जमीन पर ईंटें भी डलवा चुका है सरपंच। किस तरीके से आप इस पूरे मामले को देखती हैं? नहीं देखिए, अगर इस तरह का कोई मामला आया है और आपके माध्यम से इसकी जानकारी प्रशासन को मिल रही है, तो इसके बारे में जरूर कार्रवाई होगी और इसमें जो ब्लॉक डेवलपमेंट एंड पंचायत ऑफिसर है उनको बताया जाएगा कि वो मामले की संज्ञान लें और देखें कि कौन सरपंच है, कि क्यों इस तरह से जो है अगर नजायज काम कर रहा है तो क्यों कर रहा है। बिल्कुल, लेकिन सुनीता जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े थे, वहाँ के स्थानीय जो विधायक हैं हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े थे अभय सिंह जी, उनसे जब मैंने सवाल ये किया कि आखिर आपको इसकी जानकारी क्यों नहीं है और आप क्या मदद करेंगे, तो उन्होंने मुझे पहले किसी भी तरीके का कोई आश्वासन नहीं दिया कि हम बेटी की मदद करेंगे, बच्चे की मदद करेंगे। उन्होंने मुझसे ये कहा कि कानून अपना काम करेगा। क्या आपको नहीं लगता कि एक स्थानीय विधायक होने के नाते उन्हें कदम उठाना चाहिए? उन्होंने ये कहा है कि कानून अपना काम करेगा। हाँ। तो इसका मतलब यही है कि वो इसकी मामले की पूरी जांच करवाएंगे। लेकिन ऐसा उन्हें कहना चाहिए था सुनीता जी, मेरा सवाल यही है कि ऐसा उन्हें कहना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं कहा, उन्होंने कहा कानून अपना काम करेगा। और फिर मेरा सवाल यही था कि वो एक लड़की है, क्या जब वो बेघर हो जाएगी तब आप क्या वहाँ पहुँचेंगे? नहीं, मैं ये बात कह रही हूँ कि उन्होंने छोटे शब्दों में अपनी बात रख दी कि कानून अपना काम करेगा। अगर उन्हें अपना जवाब रखना होता सुनीता जी, तो फोन नहीं काटते, उन्होंने फोन काट दिया, फोन डिस्कनेक्ट कर दिया उन्होंने। लेकिन उन्हें कहीं ना कहीं आश्वासन तो देना चाहिए था, हालांकि उन्होंने छोटी बातों में ये भी कह दिया, उन्होंने आश्वासन जरूर दे दिया कि हम आगे कदम उठाएंगे, लेकिन पहले उन्होंने ये कहा कि हम विधायक हैं, हमें चिंता होगी। तो चिंता होती तो क्या उन्हें जानकारी नहीं होती इस पूरे मामले की? नहीं देखिए, कई बार गांव इतना बड़ा गांव होता है, ये जरूरी नहीं है कि हर किसी बात की जानकारी जो है जी वो विधायक महोदय तक ठीक है। लेकिन मीडिया उन्हें जानकारी दे रहा है, हम उन्हें जानकारी दे रहे हैं, क्या उन्हें तब नहीं कहना चाहिए था कि हम आश्वासन देते हैं या हम उस बच्ची की मदद करेंगे? वो बच्ची अकेली है, उसके माता पिता नहीं है, साया उठ चुका है, अब सरपंच किस तरीके से दबाव बना रहा है उस बच्ची पर, क्या यहाँ पर विधायक साहब को नहीं कहना चाहिए था कि हम पहुंचेंगे उस बच्ची की मदद करेंगे? एक एनजीओ उसकी मदद कर रहा है, लेकिन एक एनजीओ जो मदद कर रहा है वो भी इतना बड़ा एनजीओ नहीं है। उनसे खुद हमने बातचीत की, उनका साफ तौर पर कहना था कि हम इतना बड़ा, हमारा एनजीओ नहीं है, हमारे पास इतने राइट्स नहीं है, हमें कहीं ना कहीं किसी की मदद चाहिए। नहीं देखिए, आपने उनकी नॉलेज में ये बात डाली है,
तो अब आप कम से कम अब आप एक दो घंटे तक कम से कम वेट करिए और उसके बाद आप दोबारा उनसे कांटेक्ट करके देखिए। हाँ। तो ये हो ही नहीं सकता। हाँ। कि वो इस मामले को संज्ञान में ना लें। हाँ। या इस मामले की जांच पड़ताल ना करवाएं। चलिए चलिए सुनीता जी, रोकना चाहूंगी। अंजू चौधरी जी हमारे साथ इनेलो से जुड़ी है। अंजू जी बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। नमस्कार अंजू जी, क्या कुछ कहना चाहेंगी? पूरा नांगल चौधरी का मामला है यहाँ पर, किस तरीके से बच्ची से जमीन हड़पने की कोशिश की जा रही है सरपंच की तरफ से, आप क्या कुछ कहेंगी? बिल्कुल उस लड़की की मदद करूंगी और सरपंच गलत है। हाँ। उसको कहेंगे कि भाई ये तो गलत बात है। हाँ। और उसकी मदद करूंगी पूरी तरीके से। चलिए बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। Thank तो you. कहीं ना कहीं यहाँ पर जिस तरीके से बच्ची के साथ दबाव बनाया जा रहा है, सरपंच की तरफ से दबाव बनाया जा रहा है, सुनीता जी हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं। सुनीता जी, अब किस तरीके से यहाँ पर जो जैसा आपने कहा, विधायक साहब ने भी हमें आश्वासन जरूर दे दिया है कि वो कदम उठाएंगे, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि यहाँ पर पुलिस को पहुंचना चाहिए था? एनजीओ ने भी बताया, उनसे हमारी बात हुई थी, उनका साफ तौर पर कहना था पुलिस को इसकी सूचना दी गई है, लेकिन अभी उनके पास इतने राइट्स नहीं है एनजीओ के पास कि वो कुछ मदद कर सके उस बच्ची की। अब किस तरीके से सरकार की तरफ से कैसे मदद मिलेगी? देखिए ये अभी मामला पुलिस का इंक्वायरी के बाद बनता है। अभी सबसे पहले क्योंकि ये सरपंच जो है इसमें आप बता रहे हो कि इन्वॉल्व है, तो सबसे पहले जो ब्लॉक डेवलपमेंट एंड पंचायत ऑफिसर जो होते हैं, बीडीपीओ जो होते हैं, हाँ। जो सरपंच के ऊपर जो ऑफिसर होते हैं, हाँ। वो इस मामले की जांच करेंगे। हाँ। वो अपने सीनियर जो ऑफिसर्स हैं, डीडीपीओ होते हैं, और जो डीसी या एसडीएम और डीसी होते हैं, उनकी नॉलेज में ये बात लेकर आएंगे, और उसके बाद जो इंक्वायरी मार्क होगी तो वो इंक्वायरी में सारी बात सामने आ जाएगी कि किस तरह से सरपंच अगर कोई इस तरह की कार्रवाई कर रहा है। हाँ। तो उसके बाद फिर वो उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और जो ठीक बात होगी, जो जो जायज होगा काम, वो वही होगा। चलिए सुनीता जी बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो यहाँ पर बेटियों का जो दुश्मन बना है सरपंच, वो किस तरीके से दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है और यहाँ पर किस तरीके से बच्चे की जो जमीन है वो हड़पने की कोशिश की जा रही है नांगल चौधरी का, ये पूरा मामला है। और इसी बीच बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दे। जी हाँ, इस वक्त की बड़ी खबर, जहाँ स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने ट्वीट कर कांग्रेस पर निशाना साधा है। ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कांग्रेस की गाड़ी का इंजन अलग अलग लाइनों पर जा रहा है, तो ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। गाड़ी में सवार यात्रियों का तो भगवान ही मालिक है, ये कहना है अनिल विज का। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने ट्वीट कर कांग्रेस पर निशाना साधा है। यहाँ पर उनका साफ तौर पर कहना है कि कांग्रेस की जो गाड़ी है, वो गाड़ी का जो इंजन है, वो अलग अलग लाइनों पर जा रहा है। कहीं ना कहीं जो गुटबाजी है कांग्रेस के अंदर, वो जो खुलकर सामने आ रही है, कहीं ना कहीं इसे दर्शाते हुए यहाँ पर ट्वीट किया है सूबे के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने। ये बड़ी खबर लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने ट्वीट किया है और ट्वीट पर कांग्रेस पर निशाना साधा है। उनका साफ तौर पर कहना है कि गाड़ी का जो इंजन है वो अलग अलग पटरी पर है और कहीं ना कहीं जो गुटबाजी चल रही है कांग्रेस के अंदर, उसे लेकर यहाँ पर निशाना साधा गया है। अंबाला से कमलप्रीत हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हैं। कमलप्रीत, कहीं ना कहीं यहाँ पर ट्वीट किया है स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने, जहाँ उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा है, क्या कुछ माना जाए? क्या पार्टी के अंदर जो गुटबाजी चल रही है, क्या उसे देखते हुए यहाँ पर इशारा किया गया है ट्वीट के जरिए? कमलप्रीत, आप तक आवाज पहुंच रही है? जिस तरीके से कल कंडेला के अंदर जो है वो मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा जो है, उन्होंने जो है वहां पर जो है भीड़ जुटाई, और आज जो है जो तवर है वो कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उन्होंने साफ तौर पर इन दोनों पर ही निशाना साधा है और साफ तौर पर कहा है कि ये जो है पटरी के दो डब्बे हैं जो अलग अलग दिशाओं में चल रहे हैं, और इन गाड़ी के अंदर सवार जो यात्री हैं, उनका जो इशारा था वो कार्यकर्ताओं की तरफ था कि उनका तो जो है वो राम ही मालिक है। जी चले कमलप्रीत, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे, जहां सूबे के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का ये पूरा ट्वीट सामने आया है। उन्होंने ट्वीट कर कांग्रेस पर निशाना साधा है कि जो कांग्रेस की जो गाड़ी का इंजन है वो अलग अलग पटरी पर है, कहीं ना कहीं जो पार्टी के अंदर गुटबाजी चल रही है उसे लेकर यहां पर निशाना साधा गया है कांग्रेस पर। तो गाड़ी में सवार यात्रियों का तो भगवान ही मालिक है, ये कहना है अनिल विज का, और ट्वीट के जरिए यहां पर कांग्रेस पर निशाना साधा गया है। तो चलिए इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। नमस्कार।